हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा चार हरी मिर्च का। आपने लाल मिर्च का भरवा चार ज़रूर बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से हरी मिर्च का अचार बनाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी और यम बन के तैयार होगा और कम टाइम में। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हरी मिर्च लेंगे, इसका डंठल वगैरह नहीं तोड़ेंगे, आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे बढ़िया से, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। वॉश करके हमें पंखे के नीचे रख देना है ताकि अच्छे से इसका पानी सूख जाए, या फिर आप टॉवल से पोंछ सकते हैं। फिर उसके बाद जब अच्छे से सूख जाएगा, फिर यहाँ पे हम इसमें कट लगा लेंगे। आप चाहें तो इसका डंठल और इसके बीज जो हैं निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हल्का तीखा रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी आता है। तो हमें इस तरह से सारा कट लगा लेना है बीच में। तो हमने सारे में कट लगा कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब चलिए इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आप कोई तवा ले या फिर कढ़ाई ले या पैन ले। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है सौंफ, और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे मेथी के दाने ले लिया है, 1/2 चम्मच ही राय ले लेंगे। और अच्छे से मसाले को हमें भून लेना है। थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे और फिर उसके बाद मसाला हमें भून लेना है। मसाले को हमें इतना भूनना है इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छे से खुशबू आने लगे। लो फ्लेम में हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले को भूनना है। अब देखिए हल्का हल्का कलर भी चेंज हो रहा है। मसाला अच्छे से भुना रहता है तो टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मसाला भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सूखा वाला लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मसाला हमने भून कर तैयार कर लिया है, अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो एक प्लेट में हम इसे पलट लेंगे और इसे रख देंगे ठंडा हो जाए। फिर यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मस्टर्ड ऑयल हमने 2 कप लिया है, तो आप अपने हिसाब से मस्टर्ड ऑयल लें। एक ध्यान रखें, मस्टर्ड ऑयल में ही हमें बनाना है। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए तो हमें पिंच भर हींग डाल देना है। फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। अब इसे मिक्सर जार में डाल करके फाइन पीस लेंगे। तो मसाला हमें दरदरा ही पीसना है। तो मसाला हमने पीस करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं मसाला हमें इसी तरह पीसना है। अब इसे हम प्लेट में पलट लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाउल लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, गहरा बर्तन हो उसमें हम मसाले पलट लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खटास के लिए हमने डाला है 1 चम्मच यहाँ पे अमचूर पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। ऐसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर इस तरह से बनाएं। टेस्ट अचार का बहुत ही टेस्ट और यम्मत है। यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं कलर के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ध्यान रखें नमक हमें हिसाब से ही डालना है। बढ़िया से मसाला बना करके इस तरह तैयार कर लेंगे। आप इस मसाले को 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपको अचार बनाना हो तो इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तेल डाल देना है, जो हमने हींग वाला तेल रेडी किया था वो ठंडा हो गया है। तो तेल हमें हिसाब से डालना है। अगर हमें तेल मसाले में कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो हमें कम लग रहा है, थोड़ा सा तेल हम और ऐड करेंगे। एकदम गीला सा हमें बना लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। एक बार इस तरह ज़रूर बनाएं। मसाले में बढ़िया से हमें तेल को मिक्स करना है। इसमें हींग का फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी बना है मसाला। आप ऐसे कलौंजी भी बना सकते हैं। अब मिर्चे में हमें इस तरह से भर देना है। तो आप स्पून के हेल्प से या हाथ से, जैसे आपसे बने आप वैसे ही इस तरह से भर लें। थोड़ा सा ऐसे फैला करके इस तरह से मसाले को हमें हरी मिर्च में भर लेना है। आप ऐसे कलौंजी या फिर जैसे कि छोटी वाली हरी मिर्च है, इस तरह से मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। या फिर आप कलौंजी वगैरह जैसे नेनुआ तुरोई का है, कलौंजी है, या फिर बैगन है, इस तरह से भरवा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्ट और यम आता है।
तो इस तरह से मसाला बनाकर ज़रूर बनाएं। आप कोई भी अचार बना रहे हैं भरवा वाला, वो भी बना सकते हैं इस तरह से मसाला रेडी करके। तो हमने इस तरह सारी हरी मिर्च को फिल कर लिया है, भर लिया है, आप देख सकते हैं देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आप इजीली ऐसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक जार लेंगे, आप चाहे तो कांच का जार ले सकते हैं। जार को अच्छे से धो लेंगे, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो, सुखा लेंगे टॉवल से पोंछ करके, और सारे हरी मिर्च को हमें इसमें ऐड कर देना है इस तरह से। आप इसमें डंठल इसका बिल्कुल भी मत निकालिए, ऐसे इसलिए बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, खाने में तो टेस्टी आता ही है। तो इस तरह से हमें सारे जार में भर देना है हरी मिर्च को, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ मसाला थोड़ा सा है डाल देंगे ऊपर से। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें तेल, तो तेल हम इसमें थोड़ा ही डालेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब पूरा भी डुबो सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा ही ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयली हमें नहीं पसंद है, बस इतना ही थोड़ा ही तेल डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो ढक्कन से कवर करें, या फिर आप इसे कपड़े में, कॉटन का कपड़ा हो या उससे कवर कर सकते हैं। तो हम इस तरह ढक्कन लगा करके इसे 2 से 3 दिन तक इस तरह छोड़ देंगे। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कॉटन के कपड़े में कैसे लपेट के आपको हल्की धूप में रखना है, जैसे सुबह की धूप हो आप रखिए, या फिर शाम की 3 बजे वाली जो धूप होती है उसमें रखिए, ज़्यादा धूप में हम नहीं रखेंगे। तो हम कॉटन के कपड़े लगा के इसको हल्की धूप में 2 दिन के लिए रख देते हैं। फिर मिलते हैं 2 दिन के बाद। तो 2 दिन हो गया है, हमारा अचार बिल्कुल सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसका हम कवर निकालेंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे, पहले इसे चम्मच से चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया ये गल के तैयार हो गया है। अब इसे हम एक एक करके प्लेट में निकालेंगे, ये यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है, एक बार ज़रूर बनाएं। इस तरह से निकाल लेंगे, सारे हम अचार निकाल के रेडी कर लिया है। अब हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितना बढ़िया ये गल गया है, आप इसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं, 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।